यार इंडिया से बेहतर मुझे नहीं लगता कि हम हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान मेरे मुताबिक तो जो है किसी चीज़ में इंडिया से बेहतर नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन चीज़ों में आ गया हम लोग, हम यहाँ तो बिला वजह लोगों को फेमस करने में आ गए हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पुठे कामों में आ गए हैं। पुठे कामों में आ गए हम लोग तो हर लिहाज से इंडिया आ गया है पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान किन एक्सपेक्ट्स में इंडिया से बेहतर है? जी मेरी राय बड़ी सख्त है, मैं समझ पाकिस्तान किसी एक्सपेक्ट्स में इंडिया से बेहतर नहीं है। अभी अगर मैं फ्रीलांसिंग ही करता हूँ तो यार मेरे पास पेपाल नहीं है, गूगल की सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे ऑफिस नहीं है, अमेजोन नहीं है, इतनी चीज़ें जो मेजर जिसकी वजह से हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, और वो सर्विसेज नहीं है तो हम कैसे आगे हो सकते हैं हम दोनों। दोस्तों तो आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान किस फील्ड में भारत से अच्छे है, बच्चे पैदा करने में, पढ़ने में, लिखने में। तो चलिए देखते हैं और मजे लेते हैं। वालेकुम सलाम, आपका नाम? मुसब। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एक प्राइवेट सेक्टर में। हम अब्दुल मोईज। अब्दुल मोईज, ज़बरदस्त हो गया। क्या करते हैं आप? मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो तो पाकिस्तान छोड़ के जाई जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? जी मैंने अभी जाना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बाहर जाने लोग छोड़ने के पैसे नहीं आगे। जी ज़बरदस्त। मोहम्मद इलियास। आप क्या करते हैं? आप घर का ही काम करते हैं मतलब? हाँ। फैजान। फैजान आप क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर, ज़बरदस्त है। जो मेरा आज का टॉपिक है जिसमें वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान किन एक्सपेक्ट्स में इंडिया से बेहतर है। यार इंडिया से बेहतर मुझे नहीं लगता कि हम हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। अभी अगर मैं फ्रीलांसिंग ही करता हूँ तो यार मेरे पास पेपाल नहीं है, गूगल की सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे ऑफिस नहीं है, अमेजोन नहीं है, इतनी चीज़ें जो मेजर है जिसकी वजह से हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं घर बैठ के, और वो सर्विसेज नहीं है तो हम कैसे आगे हो सकते हैं? हम तो उनके एक चीज़ में भी आगे नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। वो इकोनॉमी GDP हमारी वो गिरी हुई है। किन चीज़ों में आ गए हम लोग? हम यहाँ तो बिला वजह लोगों को फेमस करने में आ गए हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पुठे कामों में आ गए हैं। पुठे कामों में आ गए हम लोग। हम जिन हवाले से आगे होना चाहिए, बिजनेस लोगों के बंद हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई ब्रांड बंद हो जाता है। ठीक है, हम ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों को पता नहीं ऑनलाइन मार्केटिंग क्या चीज़ है। आधे से ज़्यादा इंडिया ऑनलाइन मार्केटिंग करता है। इंडिया में अमेजोन चलता है, ईबे चलता है, कितना कुछ चल रहा है, लोग यहाँ पे भी चलाते हैं मगर इलीगल चला रहे हैं। ठीक है, VPN वगैरह या दूसरे कई तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लीगल हो जाती है, गवर्नमेंट ये टैक्स ख़त्म करती है। अब आपको इतने टैक्स लगे हुए हैं, अगर टैक्स की वजह से वहाँ बैठी हुई है। आज न्यूज़ मैंने देखी है कि एक बंदा अट्टे वाली लाइन में लग के मर गया, 4 बच्चों का बाप था वो, एक आटा का राशन है यार, उसके वजह से बंदा जिंदा रहता है। हम लोग रोटी कपड़ा और मकान में फंसे हुए हैं अभी तक, सिर्फ उसी चीज़ में फंसे हुए, वो हुई नहीं मिल रही है। अगर फंस एक होता ना कि यार इस चीज़ में फंसे और मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा हमें। यानी आपको कहना कि हम गुर्बत में इंडिया से आ गए हैं? वो गुर्बत में भी इंडिया से आ गए हैं। पाकिस्तान मेरे मुताबिक तो जो है किसी चीज़ में इंडिया से बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इधर तो हमारे इधर तो हुक्मरानों की जंग ही नहीं ख़त्म हो रही आपस में, तो हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के ही मर रहे हैं दिन ब दिन, जो हालात हो रहे हैं। इंडिया एक टाइम था कि इंडिया के साथ हम पे कंपेयर अपने आप को कर सकते थे, अब तो मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी आप गरीब से गरीब मुल्क भी उठा लेना तो आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। मीन्स के पाकिस्तान इतना अपने आप को इन्होंने गिरा दिया हुआ है, और हमारे हुक्मरानों ने एक दूसरे की मतलब हम एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए। कोई हुक्मरान हर बंदा कहता है मेरा ये हुक्मरान, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो भी हुक्मरान है ना वो हर बंदा सिर्फ अपने मुफाद के लिए उस कुर्सियों पे बैठे हुए, ना आवाम को किसी चीज़ की सहूलत है। हम लोग बस अपने आप की जंग में ही लड़ रहे हैं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, और लड़ लड़ के इसी तरह एक टाइम आना है कि मुल्क ने हमारे ना कि सारी दुनिया ने मुल्क पर कब्ज़ा करना है और नामो निशान पाकिस्तान का ख़त्म करके इन्होंने बैठ जाना। जो मेरा जो नज़रिया है ना, पाकिस्तान किसी भी मुल्क से बेहतर नहीं है, तो हमें सिर्फ अपने आप की पड़ी हुई आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, गरीब से गरीब मुल्क पाकिस्तान से ऊपर जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन बदतर से बदतर होता जा रहा है। आप वही कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता? नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। सबसे तो हर लिहाज से इंडिया आगे है पाकिस्तान से। अच्छा, ठीक नहीं? और क्योंकि वाली सुना ये पाकिस्तान में ज़्यादा दो नंबरी, फ्रॉडबाजी, मिलावट, ठीक है जी, इन चीज़ों से हम बहुत पीछे हैं। हम तो मुसलमान थे, हमें ये चीज़ शुरू से सिखाई गई थी, और हम वही चीज़ क्यों कर रहे हैं अभी? हम बहुत उसके ऑपोजिट हैं, मुसलमान के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। जो हमारे काम हैं उन्होंने ले लिए हैं, अच्छा काम करें, मिलावट वो नहीं करते, झूठ वो नहीं बोलते, ठीक है। और अपना तो चीज़ में भी आपको नहीं लगता कि यार हम इंडिया से आगे हो? हम ये ज़रूर आगे हैं, सबसे आगे पूरे वर्ल्ड से आगे, के हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं,
ये सबसे अच्छा जो बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा हमने सबसे बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ये हमारी सबसे वैसे मुसलमान है ना, लेकिन पाकिस्तान अगर सोचें हाँ पाकिस्तान से हम ज़ीरो हैं, उस लिहाज से देखो तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, अरब कंट्री में भी रहा हूँ काफ़ी, तो मतलब कि यहाँ पर आके देखा तो हम बहुत ज़ीरो हैं, हज़ारों साल पीछे हैं हम दुनिया के। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या है, आपने अगर दुनिया फॉलो की है तो पाकिस्तान का क्या इमेज है और इंडिया का इमेज क्या है? मैं गया हूँ और पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल ज़ीरो है, कोई पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझता, पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। और वो देखते हैं कि जब पाकिस्तान कहते हैं वो हिट करते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये झूठ बहुत बोलते हैं, मलावट हैं, किसी को मतलब के अतबार धोखा फ्रेम में सबसे आगे हैं। भारत का कैसा इमेज है? भारत का इमेज जो है ना, हालांकि वो गैर मुस्लिम है तो वो उनका इमेज वर्ल्ड में बहुत अच्छा जा रहा है, अमेरिका में भी, यूरोप कंट्री में भी और इधर भी उनका इमेज बहुत अच्छा है। क्यों? वो अपने घर में या अपने मुल्क में रहकर किसी से फ्रॉडबाजी नहीं करते, मलावट बहुत कम, झूठ कम बोलते हैं, वो मतलब हमसे बहुत दर्जा अच्छे हैं। पाकिस्तान किन एक्सपेक्ट्स में इंडिया से बेहतर है? जी मेरी राय बड़ी सख्त है, मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान किसी एक्सपेक्ट्स में इंडिया से बेहतर नहीं है, सिवाय सोशल स्टडीज़ की बुक्स के, सिर्फ उसी में हम बेहतर हैं। आप किस चीज़ में तो आगे होगा ना पाकिस्तान, आप मुझे कोई बता दें किस चीज़ में आगे? नेगेटिव भी बता सकते हैं। नेगेटिव में तो वही तो कह रहा हूँ मैं, अगर नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में कौन किस चीज़ में आ गया? हर चीज़ में आ गए हम, इन्फ्लेशन में आ गए उनसे। अच्छा, और क्या? भुखमरी में आ गए उनसे। अच्छा, और कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, क्या रह गया पाकिस्तान में आप खुद देखें ना। इंडिया किन चीज़ में आ गया है पॉजिटिव साइड? इंडिया हर चीज़ में आ गया है, पॉपुलेशन देखें एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करें ना तो वो आपका एक, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में। पॉपुलेशन में इंडिया की 5x पॉपुलेशन है, इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, आपकी क्या कुछ भी नहीं है। इंडिया की दूसरी एक्सपोर्ट्स आपसे बेहतर है, हर चीज़ में इंडिया आपसे आगे। किस तरह चला गया इंडिया इतना आगे और पाकिस्तान इतना पीछे, किस तरह रह गया यार? एक कंपैरिजन ही आप कह रहे नहीं बनता। राइटफुल पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से, उनकी नेशन जितनी मर्जी बुरी हो, जो मर्जी करे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ है कि यार हमने अपनी नेशन को सपोर्ट करना है। अभी आपने रिसेंटली एक वाक्य हुआ, आपने सुना होगा शायद, रशिया के साथ जब ये ऑयल ट्रेड की गेम चल रही थी और अमेरिका सब पे सैंक्शन लगा रहा था और सबको मना कर रहा था कि आपने रशिया से ऑयल बाय नहीं करना, और इंडिया उसका चूंकि पास में एक अलाय रह चुका है, उसने उस पर भी प्रेशराइज किया था। आपने उसके मिनिस्टर्स का बयान सुना? क्या कहा उन्होंने? स्ट्रेट अवे इनकार किया, उन्होंने कहा हमारे पास पता नहीं कितने मिलियंस की बिलियंस की आबादी है, हमने उनको सपोर्ट करना है, हु द हेल आर यू हमें डिक्टेट करने के लिए? मतलब कि आपने कहा कि हमारे सियासतदान, उनके सियासतदान में फ़र्क है, हमें हमारे पास विजन और डायरेक्शन की कमी है। इधर एक पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, आए दिन जो है ना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, मैं तो न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है, इन अ सेंस के इतने रिजर्व्स रह गए, इतने रिजर्व्स आपके डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कितने और पाकिस्तान के रिजर्व कितने, ज़रा दोबारा बता दें। पाकिस्तान के गालबन कल मैं सुन रहा था कोई 4.64 से नीचे रह गए हैं, ठीक है कम हो गए हैं, और इंडिया के पास तो वो तो डिफॉल्ट ना करा 63 5 6, उसकी तो आप छोड़ देना, उसका तो डिफेंस बजट ही इतना है कि जितनी आपकी इकॉनमी नहीं है। कितना को पीछे हमें इंडिया के बराबर आते आते कब कितना टाइम लग जाएगा? हमें इंडिया के आते आते कम से कम 50 साल लग जाएंगे, और उसके अलावा अगर इंडिया, अगर हम इंडिया से ना कोई 80% पीछे हैं, 100 से 80% पीछे हैं, यानी कि पूरा 100% ही आपने कहा। हाँ भाई, ये देख लें, कौन सा एस्पेक्ट है जो इंडिया जिस पर ज़्यादा तरक्की कर रहा है आपको लग रहा है? क्या हर चीज़ में ही है, आप अगर गूगल देख लें, गूगल के CEO जो हैं इंडिया से बिलोंग करते हैं, एप्पल के जितने भी हैं फ्रेंचाइजेज हैं, जो स्टोर्स हैं वो सारे उधर इंडिया में हैं, उसके अलावा जितनी कंपनीज हैं फरारी जो भी, आप मीन्स के हर चीज़ में आप इंडिया को देखें ना तो इंडिया आपको बहुत ऊपर नज़र। आपने कहा बाहर के मुल्क में गए हैं तो पाकिस्तान का इमेज किस तरह का है बाहर के मुल्क? बाहर के मुल्क में पाकिस्तान को रिस्पेक्ट तो है, मगर एक इतनी बुरी इमेज बनी हुई है ना पाकिस्तानियों को, जल्दी जॉब नहीं मिलती है सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोग फ्रॉड करते हैं बाहर जाके। अब खाली दुबई ने पाकिस्तान के 24 जौन से सिटीज़ हैं ना वो बैन कर दिए, जो कि जिनको दुबई का विजिट वीज़ा नहीं मिल सकता। और इंडियन का इमेज किस तरह है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? इंडियंस ने तो अपने बिजनेस खोले हुए हैं वहाँ पे, आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान में जॉब ढूंढने जाते हैं, इंडियंस ने बिजनेस खोले हुए हैं वहाँ पे अपने, यानी उनका इमेज पाकिस्तान बहुत बेहतर है। वो बहुत बेहतर है यार, टेक्नोलॉजी का किस हवाले से नहीं देख सकते हम, नो डाउट वो हमारे कंपेटिटिव हैं, नो डाउट वो आर्मी है, जो भी ये चीज़ें हैं
मगर टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं। अच्छी बात। मैं वहाँ देखें अमेजोन आ गया है, अमेजोन पे काम कर रहे हैं, इधर हमारे लोग जुगाड़ में ही लगे हुए हैं, बस अमेजोन के चक्करों में क्लासेस वगैरह चल रही हैं अमेजोन को के, अमेजोन पाकिस्तान में। यहाँ पर मीन्स के सियासतें हैं सारी, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर जितनी कंपनियाँ हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ एक पढ़ रहा था कि काफ़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना शट डाउन कर दिया क्राइसिस की वजह से, जो मुल्क में एक इतना हालात बुरे हो चुके हैं कि जी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, 2,500 लोगों ने डॉलेंस है, डॉलेंस की तरफ से मैंने देखा कि 2,000 उन्होंने बंदों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट उनको जॉब से फारग कर दिया, क्यों शट डाउन कर दिया। सुजुकी मोटर्स की तरफ से भी मैंने पढ़ा उनके न्यूज़ कि उन लोगों ने भी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, मतलब लोगों को हालात की वजह से फारग कर दिया। ऐसा पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन बनता है आपको किसी चीज़ में लगता है? यार किस चीज़ में बनाना चाहते हो मुझे आप बता दो। हम बताएं बनता है कि नहीं बनता है? यार नहीं बनता है। हम इंडिया के बराबर कब तक आएंगे? हम इंडिया के बराबर एक सूरत में आ सकते हैं। कब तक? जब हम अपनी गलती मानना शुरू कर देंगे बस। कितने साल लग जाएंगे रिकवर करते हो पाकिस्तान को? अभी आपने कहा कि कंपैरिजन बनता है, कब तक हम उसके कंपैरिजन में आने लगे? यार कंपैरिजन में आने के लिए ना आपको 10 साल भी काम है। 10 साल भी काम है ठीक है, और अगर आप अपने आप को चेंज करते हो ना तो 2 साल भी बहुत है। थोड़ी सी को पर्सनल बात कर सकता हूँ? मेरा अपना एक जानने वाला है इसहाक डार का ना क्लास फेलो था, उसका बाप वो करता है बिजनेस इंपोर्ट का, पता नहीं मुझे भूल गया भी क्या करता था। उसने डायरेक्ट इसहाक डार की सिफारिश जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है लगवाई है कि यार मेरा वो उधर शिपमेंट फंसी हुई है वो निकलवाओ, और इसहाक डार के कहने पे अपनी स्टेट बैंक रिलीज़ करा। कह रहे हमारे पास डॉलर्स है ही नहीं, रिजर्व्स है ही नहीं, कहाँ से करें हम रिलीज़? डॉलर मुल्क में नहीं है। 4.64 रह गया ना, वो भी आधा सऊदीया से बोरोड है और आधा चाइना से बोरोड है। द मोमेंट उन्होंने वापस मांग लिया आप क्या करोगे? आपके पास तो सर्कल चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में रह के आपने सच बोला है। अच्छी बात है कि मानना चाहिए हमें, लोग इंडिया के ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मानते नहीं है। आपने हर चीज़ कहा कि हम लोग एक चीज़ में आगे नहीं है, एक चीज़ में भी आगे नहीं है, फिर भी कोई ना कोई तो एक चीज़ होगी यार। के टाइम था 1980s में और इवन के 1990s में भी ना हम एक ट्रैक पर चल रहे थे, हुकूमत जिसकी भी थी, लेकिन कुछ ना इंप्रूवमेंट्स आ रही थी हर इंडस्ट्रीज़ में। अब ये ऐसा डी ट्रैक हुए हैं, कि ना हमें पॉलिटिक्स की समझ आ रही है। कोई कह रहा है मुदाखलत हो रही है, कोई कह रहा नहीं हो रही, कोई कह रहा कुछ हो रहा है, एक अजीब ही कुत्ती चिका लगा हुआ है। अच्छा ठीक है ना, आपको इन शॉर्ट अभी कंपैरिजन नहीं बनता पाकिस्तान इंडिया का? नहीं बनता। किस तरह से बनता? आप मेरे साथ डिबेट कर लें किस चीज़ में बनता है, मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा कैसे बनता है। यार बंदा तो वाकई नहीं, आपने बात तो सही की है, मैं भी यही कहूँगा बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं। मैं तो आपको ही आईटी में अगर बात कर लें और हर चीज़ में बात कर लें, इंडिया बहुत आगे निकल गया, गूगल निकल सी और यूट्यूब, गूगल का दफ्तर भी इंडिया में, और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। बाहर की फॉरन यूनिवर्सिटियाँ इंडिया में आने के लिए तैयार हो गए हैं। फ्री लांस की इंडस्ट्री है आपकी ठीक है, कितना आपने इधर चीखा पेपल आ गया, आया पेपल इंडिया में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? ठीक है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा उनके पास एक डायरेक्शन है। उधर जो बीजेपी पार्टी है ना, मोदी को आप चाय वाला कहें लेकिन वो चाय वाला लीड कर रहा है पूरी, वो जितने भी बिलियंस का वो है इंडिया, उनको वो लीड कर रहा है, उन्होंने एक डायरेक्शन पकड़ी हुई है ठीक है। उन्होंने आज से 20 साल पहले फैसला कर लिया था, हमने जो है ना आईटी के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है अपनी, आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आईटी में तरक्की करनी है। उन्होंने आईआईटी इंस्टीट्यूट, आपने सुना होगा अक्सर वेब सीरीज़ वगैरह में, आईआईटी इंस्टीट्यूट की उन्होंने बुनियाद रखी, उसके बाद उन्होंने ट्रेन की है, आज देख लें वो कहाँ पर है। आपके ऊपर आईटी के ऊपर कोई बात कर रहा है? दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हम भारत से पीछे हैं। वो हर चीज में भारत से आगे है, लेकिन किस में? भुखमरी में बच्चा पैदा करने और अपनी बहन से शादी करने में। और किस फील्ड में पाकिस्तान हमसे आगे है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।